मेरा नाम नारायण बाजोरिया है। मैं सोमवार की रात लगभग 10:30-11 बजे के आसपास यहाँ इमरजेंसी में पहुँचा था और यहाँ ECG करके तुरंत मुझे पता पड़ा कि मुझे कोई सीवियर अटैक आया है। इमरजेंसी वालों ने तुरंत अपने डॉक्टर हैं उस कुमार भगत सर उनको इन्फॉर्म किया, वो इमीडिएट 15 से 20 मिनट में हॉस्पिटल पहुँच गए और उसके बाद उन्होंने तुरंत मेरे को 2:30-3 बजे स्टंट डाल के फ्री कर दिया। एक बात इनकी बहुत अच्छी रही, मेरे दो ब्लॉकेज थे, एक 100% ब्लॉकेज था जो बहुत ज़्यादा सीवियर था, इन्होंने एक बार में एक ही स्टंट डाला, रिस्क नहीं लेते हुए एक स्टंट को डाला, फिर 2 दिन मेरे को बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में लाने के बाद दूसरा स्टंट मेरे को बुधवार को डाला। यदि मेरे को दोनों स्टंट शायद एक साथ डाल दिए जाते तो मेरी स्थिति और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती। और इनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, दिन में 3 बार ये संभालने आते थे, खुद मॉनिटरिंग करते थे सारी चीज़ें, मतलब बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट रहा। आज 4th दिन मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ और ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि मेरे को कोई इतना सीवियर अटैक आया था। नमस्कार, मैं डॉक्टर कुश कुमार भगत, इटरनल हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। जैसा कि सर ने कहा कि सर को मेजर अटैक आया था, सर को बिल्कुल मेजर अटैक आया था और उनकी पंपिंग भी काफ़ी वीक हो गई थी हार्ट अटैक की वजह से। तो जो आपकी 100% बंद थी मैंने उसको खोला और मैंने स्पेशल बलून यूज़ किया जिसको हम लोग IABP बोलते हैं, इंट्राओर्टिक बलून पंप। एक स्पेशल बलून है जो कि एक हार्ट को टेम्प्रेरी सपोर्ट करता है, स्पेशली उन पेशेंट्स में यूज़ करते हैं हम लोग जिनकी पंपिंग काफ़ी ज़्यादा वीक होती है। तो उसने हार्ट को काफ़ी सपोर्ट किया और 2 दिन में स्टेबलाइज होने के बाद जो दूसरी आर्टरी थी जिसमें 99% ब्लॉकेज था उसको मैंने फिक्स किया। और इसमें हम लोगों ने स्पेशल इमेजिंग टेक्निक भी यूज़ की जो कि एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग OCT बोलते हैं, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। ये बेसिकली हार्ट की सोनोग्राफी, मान लीजिए हार्ट की नाड़ियों की सोनोग्राफी, जिससे हमें ये आइडिया लगता है कि स्टेंट्स जो हमने डाले हैं वो कितनी अच्छी तरीके से फूल गए हैं और जो कि फर्दर अगर फ्यूचर में जो स्टेंट में ब्लॉकेज डेवलप होने के चांसेस हों वो हमें पहले बता देते हैं कि आपने अगर स्टेंट अच्छे से डाला है तो फ्यूचर में ब्लॉकेज नहीं डेवलप होंगे विद द हेल्प ऑफ दिस सोनोग्राफी एंड OCT। और अभी ये बिल्कुल स्वस्थ हैं और डिस्चार्ज होने के लिए रेडी हैं। थैंक यू सो मच।